जी हाँ, बिल्कुल सच है। जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल का वीडियो है। भाई अचरज में क्यों पड़े हैं? ये संभव है, झारखंड में संभव है। झारखंड की जो अकूत संपत्ति है, जो करोड़ों की बिल्डिंग है जिसे बनाया गया जनता के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से, देखिए बर्बादी किस तरीके से हो रही है। अरे इतना ही नहीं, अभी और देखिए, इस लिफ्ट के अंदर मरीज भी हैं। पानी तो गिरता हुआ आप देख ही रहे हैं। इस वीडियो को झारखंड के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचा दीजिए और उनको देखने दीजिए किस तरीके से बंदर बाट हुआ है, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, किस करोड़ों की बिल्डिंग के लिफ्ट से पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। और ये कितना खतरनाक हो सकता है जब इसके अंदर मरीज भी हैं। कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कभी भी कोई अनहोनी घट सकती है, और ये सब कुछ संभव है। ये लिफ्ट लगातार चल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। बारिश के बाद जो स्थिति हजारीबाग के इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बिल्डिंग की है, लोग क्या कहेंगे? आपको कोई साथ फर्क नहीं पड़े, क्योंकि झारखंड में ऐसी तस्वीरें आ जाती है, लेकिन यहां मरीजों की जान आफत में पड़ सकती है, क्योंकि मरीज लिफ्ट के अंदर हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि जब बारिश हो रही है, लिफ्ट से पानी नीचे गिर रहा है, लिफ्ट के अंदर मरीज है, स्ट्रेचर पर मरीज है। आप सोचिए कि उसी वक्त शॉर्ट सर्किट हो जाए, करंट आ जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये पूरे बिल्डिंग में कहीं कहीं आप देखेंगे बारिश की वजह से पानी नीचे फर्श पर आ रहा है, पानी नीचे जमीन पर आ रहा है, पानी टपक रहा है। तो क्या ये पोल खोल रहा है आपकी, सबकी, पूरे व्यवस्था की? क्या ये बताता है कि भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, काहे को भ्रष्टाचार होगा, ये तो सिस्टम है, पूरे झारखंड में ऐसा ही चलता है। ये कोई नई बात थोड़ी है कि कहीं से कोई पानी चू रहा है, कोई बिल्डिंग इसी तरीके से जर्जर हो गई हो, नई बिल्डिंग बनी हो, वहां से पानी आना कोई बड़ी बात नहीं है। बारिश हुआ है, बोल दिया जाएगा, रिपेयरिंग कर दिया जाएगा, ठीक करवा दिया जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। करोड़ों की बिल्डिंग बनी है ना, कुछ लाख दो लाख रुपए लगाकर फिर से उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन ये दरार नहीं दिखाई देगा, ये लिफ्ट से पानी गिरता हुआ लोगों को नहीं दिखाई देगा। किसी की जान अगर चली जाती है तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। बाकी एक बार आप तस्वीर आप देख लीजिए, कितनी भयावह तस्वीर है और कितनी खतरनाक हो सकती है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल की वो तस्वीर, जहां लिफ्ट से पानी आता है। ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है कि भैया लिफ्ट से पानी आ रही है, करंट आ जाएगा, लोग मर जाएंगे, कौन जवाब देगा? शायद कोई नहीं। देखिए यहाँ है कि लिफ्ट से पानी चू रहा है, बिल्डिंग से पानी चू रहा है, गेट में पूरा चाहते हैं तो मतलब थोड़ा अभी तक सफाई भी नहीं हुआ, एक घंटा हो गया, बारिश हुए तो पानी को रोका जाए और क्या है? भ्रष्टाचार की बू आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कैसे देखते जिला प्रशासन से क्या करना है? बोलेंगे इस पर ध्यान देना जरूरी है। मान ली इस बिल्डिंग में हम देखे और भी हो रहा होगा, सदर अस्पताल भी इतना बड़ा है। क्या नाम है? शक्ति सिंह। डॉक्टर विनोद पैथोलॉजी एजेंट। चलिए।